हम सब जानते हैं कि हम देवी के ही रूप हैं। हम नवरात्र में खाली उनकी उपासना करते हैं ताकि हमारी भीतर की जो शक्तियाँ हैं उसको हमें जागृत कर सकें। इसलिए हम देखते हैं, बार बार सुनते हैं, ये जागरण का पर्व, शक्ति का पर्व। एक्चुअली देखा जाए तो हमने कभी सोचा नहीं कि ये 9 दिन का ही क्यों होता है। ये 7 दिन का भी हो सकता था, 8 दिन का भी हो सकता था, या 10 दिन का भी हो सकता था। लेकिन इस 9 नंबर का बहुत महत्व है। एक शिशु जन्म लेने के लिए 9 महीने पूरे हो पाते हैं। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में 9 द्वार हैं। इसी द्वार को हम आकुंचित करके प्राणायाम को सिद्ध करते हैं। योगी अपने प्राणायाम को इसी तरह सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार एक स्त्री की जो यात्रा है वो ये 9 दिन की यात्रा है, और उसी तरह माता का एक एक रूप है। जैसे हमारा पहला रूप है शैलपुत्री, माँ पर्वत। शैल का मतलब होता है पर्वत, हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री जन्म लिए पंच तत्वों से बड़ा शरीर बना, शरीर जड़ रूप में आया है इस धरती से। दूसरा रूप उनका होता है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब अपने प्योर फॉर्म में, बच्चा अपने प्योर फॉर्म में होता है ना, परमात्मा की तरह। 1-2 साल के बच्चे को हम परमात्मा के रूप में ही देखते हैं, उन्हें भगवान का स्वरूप है। तो वो कन्या कैसे स्वरूप में है? ब्रह्मचारिणी, एकदम प्योर फॉर्म में। यानी अभी वो जड़ थी, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर में वो जड़ थी। अभी उसमें चैतन्यता आ गई, और उस चैतन्य यानी ज्ञान का प्रवाह। हर एक नवरात्र के इससे एक आयुर्वेदिक औषधि भी जुड़ी हुई है। रंगों को जो हम फॉलो करते हैं कि ये दिन आज माता का ये रंग है, उसका भी एक एक सिग्निफिकेंस है। कि जो पहला रूप था वह रूप शुद्ध रूप है, ब्रह्मचारिणी का रूप हमेशा सफ़ेद होता है। फिर आते हैं चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का मतलब लड़की है वह कन्या, यानी हमारी यात्रा ही चल रही है। वो 10-11 साल की हो गई है। अब वह अपने आप को मुखरित करने लगी, बोलने लगी है, समझने लगी है, चीज़ों को जानने लगी है। यानी उसका समाज से परिचय होने लगा है, वो अपने राय को रख सकती है। और यह रूप जो होता है उसका, वह समाज से परिचय का रूप है, ये तीसरा रूप है। चौथे रूप में वह कूष्मांडा है, उसका नाम है कूष्मांडा। यानी उसमें बीज तत्व तैयार होने की संभावना, मतलब क्या हो गया, वो 12 या 13 साल की हो गई है, अब वह रजस्वला हो गई है। अब उसके अंदर प्रकृति के गुण निर्माण होने लगे हैं, और प्रकृति में सहभागी होने की वह जो उसकी जो क्रिया है वो शुरू हो गई है। उसके बाद आता है स्कंद माता, यानी वह प्रकृति को या इस सृष्टि को एक मदद करने के लिए एक नया जीव देती है। यानी माता का रूप हो गया। स्कंद माता क्या है? कार्तिकेय जी। स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी कौन है? यानी हर एक माता चाहती है कि जो मेरा पुत्र हो या पुत्री हो वो कैसे हो, दिव्य हो। तो स्कंद माता उनका नाम इसलिए रखा गया, स्कंद मतलब कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी कौन है? हमारे देवताओं के सेनापति। तो वैसी माता कौन बन सकता है? जो ब्रह्मचारिणी का रूप से आगे आई है वही वो माता बन सकती है, जो स्कंद माता। फिर है कात्यायनी का रूप, अगला रूप जो होता है कात्यायनी का रूप। यहाँ पे वह माँ बन गई है, और माँ अपने बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए कुछ भी करती है। उसके बाद आता है कालरात्रि, ये उनका रौद्र रूप है। माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है ना, वैसे वो शेर। इसलिए उनके जो वो वाला रूप है उनका, वो बहुत ज़्यादा विभत्स रूप बोलते हैं, या समझिए तो बहुत डरावना रूप है महाकाली, क्योंकि वह इस समय अपने बच्चे की सुरक्षा के हेतु पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वो माता का रूप है। अगला महागौरी, 8वां रूप जो होता है उनका, वो महागौरी का रूप है। गौर वन की पार्वती, अब वो स्टेबल है जीवन में, बच्चा बड़ा हो गया है, वो स्टेबल है, उसके जीवन में स्थिरता आ गई है। और अंतिम रूप है उनकी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मतलब कौन? वो परिपक्व स्त्री जो उसके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, समाज में एक अच्छा आचरण करके वो समाज को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब उसके पास अनुभव संपन्न है, वो अब वो दूसरों को या आने वाली पीढ़ी को अनुभव देने के लिए तैयार है, इसलिए वो रूप है सिद्धिदात्री का। इस तरह ये माता के 9 रूप एक स्त्री की खुद की जर्नी है, और ये खुद की जर्नी में वो अपने आप को कहाँ पाती है, उसको जागृत करने का ये पर्व होता है नवरात्रि। इसीलिए हम जब माला जो भी बाकी का जो हम करते हैं, लेकिन ये जागरण का पर्व है, शक्ति का पर्व है, प्रेम का पर्व है। और माता के ही रूप में क्यों?
माता ममतामयी होती है, स्नेहमयी होती है, अपने बच्चों की हर गलती को क्षमा करके अपने आंचल में समा लेती है। इसलिए माता की आराधना हम हमेशा माता के रूप में ही करते हैं, ताकि माता हमें अपने बच्चों की तरह अपने आप को पाले पोसे और उनकी सुरक्षा करे। यही नवरात्रि का मुझे ये सिग्निफिकेंस रखता है, इसे मैं आपको शेयर करूँ।